आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। नई दिल्ली में कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की स्वीकृति दी। अरुणाचल प्रदेश से 2 और छत्तीसगढ़ से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सूची में केरल से 12 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश से 7 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची की घोषणा आज हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और किरेन रिजिजू भी शामिल थे। श्री शाह आज पार्टी की कोर कमेटी से मिल सकते हैं और 22 मार्च तक सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिए जाने की भी संभावना है। निर्वाचन आयोग ने मतदान से पहले के 48 घंटों के दौरान राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने अब चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है। इसके लिए सभी पार्टियों को चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है। संशोधित आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1995 की धारा 126 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1995 की धारा 126 में स्पष्ट किया गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगी रहेगी। आयोग के अनुसार ये प्रावधान आगामी सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। कांग्रेस की तरफ से जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमान संभाल रखी है, वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह प्रचार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिए छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। पहले दिन कल श्रीनाथ ने बट्टा का खापा, देलाखारी, छिंदी, रामपुर और नानंदवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर भाजपा द्वारा विजय संकल्प अभियान के तहत आज सागर, दमोह और टीकमगढ़ जिलों में जनसभाएं होंगी। वहीं कल छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में पार्टी नेता रैलियां करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक कल भोपाल में आयोजित की जाएगी, जिसमें लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में इन दिनों आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगोरिया की धूम है। आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल मांदल की थाप पर नाचते हुए और सज संवर कर बड़ी तादाद में आदिवासी भगोरिया पर्व पर आयोजित मेले में पहुंच रहे हैं। मेले में झूले और चक्री का भी आनंद लिया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी इन हाट बाजारों में रंगारंग गैर निकाल रहे हैं। जगह जगह पंच, सरपंच और पटेलों का साफा बांधकर सम्मान भी इस दौरान किया जा रहा है। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जगह जगह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदाता के मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। अबुधाबी में आयोजित विशेष ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक 18 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 70 पदक जीत लिए हैं। खेलों के दूसरे दिन भारत ने 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 55 पदक जीते हैं। पावरलिफ्टिंग और रोलर स्केटिंग में खिलाड़ियों को अच्छी सफलता मिली है। अमनजोत सिंह ने 385 किलोग्राम स्क्वाड प्रतियोगिता में और अभिलाष ने विभिन्न श्रेणियों में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। वहीं रोलर स्केटिंग में सुप्रीत सिंह, ऋषभ जैन, प्रिया प्रकाश गाड़ा और प्रियंका ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में एक एम्बुलेंस से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की कीमत की अवैध देशी शराब बरामद की है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत झाबुआ जिले में प्रदेश में प्रथम 10 जिलों में स्थान पाया है। इस उपलब्धि के लिए जिले को सम्मानित भी किया जाएगा। सतना जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी के लिए एफएसटी के 21 उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। पन्ना जिले में आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है और जिला न्यायालय बड़वानी को जिले के फाइलिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।